गाइस आजकल शॉकिंग न्यूज़ है यार, आदित्य को ना इस वजह से आज मैंने खाया भी। और हमारी पानी वाली आंटी गई है। तो गाइस मम्मी ने डाल दी कढ़ाई में गुड़। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो, एक न्यू ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। बैकग्राउंड में क्या चल रहा है गाइस? बैकग्राउंड में चल रहा है बाबू भैया और हार्दिक पांड्या जा रहे हैं लॉन्ग ड्राइव के लिए। और आदित्य को देखो यहाँ पे मेरे पैर पे मुद्दी। लेटेस्ट वीडियो बाबू भैया का चल रहा है हमारे घर पे। जैसे कि आप लोगों को पता है अपने घर पे बाबू भैया का ब्लॉग चलता है और हमारी पूरी फैमिली देखती है। और हमारी मम्मी काट रही है सब्जी। चेक दिस आउट गाइस। और हमारे घर पे बनने जा रही है सब्जी जो कि कल के लिए, कल बनाएंगे ना मम्मी? अभी बनेगी ये, कल ये अभी बना रहे हैं। ओके तो गाइस ये पापड़ी की सब्जी, इसके दाने दाने अपन ने निकाल दिए, चेक दिस आउट। और ये जो है बहुत कम रखे हम लोग ने, जो जो नरम है ना खाने लायक है ये वही रखे, क्योंकि इसके अंदर ना ये रहते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, जो कि दांत में ना बहुत गंदा फंस जाता है यार। ये देखो ये 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 गाइस आज का एक शॉकिंग न्यूज है यार, आदित्य को ना बड़े चींटे ने काट लिया, जो काला वाला चींटा था ना वो देखो चेक किया जा रहा है, पेट में इसकी निशान आया था, दो निशान आए थे और बहुत ही मतलब गंदा निशान था यार वो एकदम। मम्मी मम्मी श्वेता तो देख के हैरान हो गई थी, तो मम्मी को वीडियो कॉल करी थी वो घर पे जाके, वहां पर इतना क्या बोलो यार, इतना बड़ा निशान बन गया, इतना बड़ा निशान है। ये अपने घर का रूटीन गाइस, चेक दिस आउट। हमारे भगवान जी यहाँ पे है, बोलो जय श्री राम। तो गाइस आज गली में हमारे पानी नहीं है, पूरे मुंबई में पानी नहीं है आज। आज मुंबई में नहीं, नहीं मलाड साइड में पूरे इलाके में कहीं पर भी पानी नहीं आया। और आज घरों में हड़ताल चल रही है, इस वजह से आज मैंने खाया भी नहीं। आदित्य छुआ भाग रहा है, देखो आदित्य के लिए नया खिलौना आ गया, इसमें चाबी बनी है, देखो उसको पकड़ूंगा तो गोल घूमेगा, देखो गोल घूम रहा है ना, चाबी बनी है। आदित्य की मालिश हो रही है। तो गाइस ये हमारा आज का हाल था, पानी नहीं आया सुबह से, एक्चुअली मम्मी ने पाइप लेके रख दिया था, मौसी के घर पे पाइप था, मौसी ने तुमने तो पूरा पानी भरे ना, हाँ मौसी मौसी तुमने भरे ना पूरा पानी, तो कितने बजे तक आया पानी, कितने बजे तक आया? 10 बजे तक पानी आया, तो लगभग 10 बजे तक पानी चला गया था पूरे मलाड वेस्ट में, एक भी इलाके में पानी नहीं था। ये सब मुंबई मलाड वेस्ट में हड़ताल देखो, पानी आता है 12:15 बजे तक पानी आता है, 12:15 तक आता है नॉर्मल डेज में ना मम्मी, रोज 10 बजे। तो हमने बैकअप में एक ड्राम ऑलरेडी भर के रखा है, जरूरत पड़ेगी तो हमारे गली में हमने ड्राम भर के रखा है, नहाने धोने कपड़े उपड़े के काम के लिए पानी है एक दो दिन के लिए। और हे गाइस गुड मॉर्निंग गाइस, कल पानी नहीं आया था, देख सकते हो पूरा ड्राम हमारा खाली है, फटाफट ड्राम भरेंगे। पानी सबसे पहले हम लोगों ने लिया गली में, हाँ पीने की बोतल पहले भर ले। तो गाइस हम लोग ऐसे भरते हैं बोतल, ड्रम के अंदर बोतल डालते, और ये हमारे घर मोदी का सिंह और भी बल्टी रखते हम लोग भरते। तो गाइस हमारा पानी भरने आ गया है और हमारे पानी वाली आंटी गई है, नूरजा आंटी। तो गाइस देखो मम्मी को बाहर कैसे पानी नहीं है, तो मम्मी बाहर टब में कपड़ा खंगार रहे, कपड़े धुल गए मशीन में पर खंगार रहे, टप में आराम से टप में खंगार के इधर हमारी रस्सी में टंगा रहे। ये हमारे घर का रूटीन है, हमारे घर का नहीं सबके घर का, पानी का शॉर्टेज होता है तो ऐसे करना पड़ता है ना यार, देखो मशीन में पानी ज्यादा लगता है, मशीन में पानी ज्यादा लगता है, सही बोले। सो हे गाइस गुड इवनिंग, शाम के बज गए 7:15 और मम्मी कुछ बना रहे हैं, चेक दिस आउट। मम्मी ने पीनट्स को अच्छे से भूंज दिया है और ये तेल वो भूंज रहे हैं। तो मम्मी क्या बनाने जा रहे हैं आज? हेलो गाइस, आज बनाने जा रहे हैं तिल के लड्डू। तो गाइस मैं बता दूं, शाम को बन रहा है तिल का लड्डू और
अपना चल रहा है ये ड्रिंक, चेक इट आउट, थोड़ा येलोइश रहेगा। मैं आपको बता दूं ये ड्रिंक हमने बनाया है एप्पल विनीगर से। हमारे पास ये देखो ये एप्पल विनीगर है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही फायदेमंद है। और ये देख सकते हो आप तुलसी पंचांग का बोतल है, और स्पेशली ये है हमारे पापा के लिए जामुन विनेगर। तो गाइस सिरका उसको बोलते हैं। ये सारी चीज़ें जो है ना सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। तो गाइस मैंने कुछ नोटिस किया है, अभी आवाज़ सुन सकते हो तिल की, चुर 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 आवाज़ आ रही है, ये देखो गूंजने के टाइम पे, और ये उड़ उड़ के बाहर भी जा रहे हैं, आवाज बहुत प्यारी आ रही है। तो इसको अच्छे से भून लेंगे अपन। तो गाइस मम्मी ने डाल दी कढ़ाई में गुड़, और ये गुड़ मैं आपको बता दूं देसी गुड़ है, गांव का स्पेशल गुड़ है ना मम्मी। हाँ। मुंबई में नहीं मिलेगा ना ये, नहीं मिलता जल्दी, पता नहीं यहाँ तो नहीं मिलता। मैं मम्मी को देखो गाइस कितना पसीना पसीना हो गया, क्योंकि फायदेमंद है, क्योंकि हमारा हॉल भी यही है, हमारा किचन भी यही है, हमारा हॉल, हमारा किचन, हमारा ऑफिस, हमारा कबर्ड, हमारा बेड, हमारा एक और कबर्ड, हमारा फ्रिज, और हमारे भगवान जी, सब यही है भाई। तेरे से घर में सब एडजस्ट अपना हो जाता है। हाँ ये गाइस गुड़ को अच्छे से अपने को बॉईल कर लेने का, और बनने जा रहा है तिल का लड्डू। ऐसा ना पहले पसीना पूछ लो, त्योहार आता है तब पसीना है, जब त्योहार आता है सकट का, क्या कौन सा त्योहार? अभी त्योहार आया ना, मतलब इसका क्या बोलते है, तिल लड्डू वाला, तो ये हम लोग में नहीं होता है। कभी जमाने में ना मतलब खंडित हो गया है, तो हम लोग में नहीं मनाते हैं, इसके लिए ना आज बना रहे त्योहार नहीं बना रहे, ये डिश बना रहे तिल का लड्डू। उस दिन नहीं बना सकते ना, उस दिन नहीं बना सकते, मेरी सास भी नहीं बनाते थे, बाद में बनाते थे, तो इसके लिए हम भी बाद में बना रहे। देखो गुड़ पूरा अच्छे से बॉईल हो गया यार, पूरा पिघल गया, और ये गुड़ देखो कितना टाइट है, टाइट है ना, चार बेली है। हाँ मतलब वही चार बेली फूटी नहीं ना अभी तक, फुल गया इसमें, कैसा मम्मी इतना सारा गुड़ का बनाएंगे। तो गाइस मम्मी ने बनाया तिल का गुड़ छोटू सा, पहले ट्रायल के हिसाब से खा के देखो मम्मी कैसा। नहीं तुम खाओ, तुम खाओ ना, बनाने वाला नहीं टच करता। सच में यार एक नंबर लग रहा है, इसको बंद करती हूँ, होगा ना, इसको इसमें डालती हूँ। अरे मुआ कुसुम ये ठंडा होने के बाद ही बांधने जगह काम लोग नहीं हो जाएगा। गाइस चेक करते हैं जगह कम है क्या नहीं, मम्मी बोलते हो जाएगा, मेरे को नहीं लग रहा होगा। देखो कढ़ाई पहले से टेढ़ी है, सीधी कर लो पहले, नहीं तो गिर जाएगा ये। देखते गाइस ये होता क्या नहीं, पूरा कढ़ाई में आएगा क्या नहीं, आधा चला गया। अरे गाइस अंदर तो पीनट भी है। तो गाइस चेक दिस आउट, ऐसे बनते हैं तिल के लड्डू, वाओ। अब ये थोड़ी देर रखा रहेगा, जब ठंडा हो जाएगा तभी बांधने आएगा, इसको गबड़ के रख देती हूँ। तो गाइस अब इसका ठंडा होने का वेट करना है, क्योंकि गरम ज्यादा है ना, तो अभी तो छू नहीं सकते। गरम ज्यादा है तो छू नहीं सकते, क्योंकि इसको ऐसा हाथ में लेके ऐसा गोल 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 पूरा पूरा एकदम मस्त बनाने वाले हैं। पता नहीं कितना बनने वाला है, क्वांटिटी आपको मैं दिखा देता हूँ, देखो आप कमेंट करके बताओ मेरे को इतनी क्वांटिटी में कितने लड्डू बनने चाहिए। तुमको क्या लग रहा है अंदाजा कितना बनेगा? कम से कम 20-25 तो बनेगा, 20-25 मेरे को तो लग रहा है थोड़ा ज्यादा ही बनेगा, 30 के नीचे तो बनना नहीं चाहिए मेरे ख्याल से, 30 के नीचे। वो तो मेरे हाथ में, ये तो मम्मी के हाथ में, बड़ा छोटा करके अपने हिसाब से अपने काउंट में बना लेंगे। शाने का चेक दिस आउट, मम्मी अच्छे से मिक्स कर रहे इसको, और दिखने में तो यार मस्त लग रहा है एकदम। और यार सोचो ये गांव का देसी गुड़ मुंबई में तो भूल ही जाओ, मतलब ये मुंबई में मिलने वाला है ही नहीं ये चीज, देसी गुड़ का तिल का लड्डू बनने जा रहा है, खाने में अलग ही मजा आएगा। अभी टेस्ट करके बताया था मैंने आपको,
लगता ये देखो गाइस पूरे तिल में गुड़ का कलर चला गया। अब ये ठंडा होगा उसके बाद में उसको हाथ से अच्छे से गोल 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 करेंगे। कितना टाइम लगेगा हमें ठंडा होने के लिए? पंखा चालू करके रखेंगे जल्दी हो जाएगा, फ्रिज में रखेंगे और जल्दी हो जाएगा, बाहर रखेंगे टाइम लगेगा। तो गाइस चलो फ्रिज के अंदर ही घुसा देते हैं उसको। पंखा चालू करके छोड़ते हैं। हाँ चलो पंखा चालू कर देते अभी क्योंकि गैस बंद हो गया अपना। गाइस तो ये हो चुका है ठंडा और इसको अपने हाथ से गोल आकार देना है। ये देखो कुछ ऐसा दिखने में कितना अच्छा लग रहा है। ये तिल का लड्डू तो आने वाला है महाशिवरात्रि और तैयारी घर से चालू है। महाशिवरात्रि की तैयारी चालू है, लड्डू बन गए, अब डेली कुछ ना कुछ बनेंगे। और 8 तारीख को है महाशिवरात्रि। कुछ ज्यादा ही गर्म है, चटके लग रहे। ठीक है गाइस इसी के साथ वीडियो को इधर खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। ऐसे ही प्यार देते रहे चैनल को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिसको खाने का है आ जाओ, आपका स्वागत है। और जिसको खाने का है वो कमेंट करो, हम लोग कुरियर करा देंगे, सिर्फ डिलीवरी चार्ज लगेगा गाइस। Tanarum tararum tanarum tararum